नेक्स्ट क्वेश्चन है ई टू द पावर एक्स अंडर रूट वन प्लस ई टू द पावर टू एक्स डी एक्स। यहाँ मान लेते हैं ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू टी, ई टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब मेरा क्वेश्चन हो गया डी टी अपान अंडर रूट वन प्लस टी स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है साइन एच इनवर्स टी, साइन हाइपरबोलिक कहते हैं, प्लस ई या साइन एच इनवर्स ई टू द पावर एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेग्रेशन में पी प्लस क्यू टेन इनवर्स एक्स टू द पावर एम अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ देखिए हम जानते हैं कि यदि हम टेन इनवर्स एक्स बराबर टी मान लेते हैं तो उसका अवकलन होता है वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो हमको डी एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। इसलिए हमने मान लिया कि पी प्लस क्यू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। अवकलन किया p का जीरो, q वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपान क्यू। क्वेश्चन हमारा हो गया कि वन अपान क्यू इंटीग्रेशन टी टू द पावर m डी टी, वन अपान क्यू टी टू द पावर m प्लस वन अपान m प्लस वन प्लस सी। अब टी की वैल्यू रखने पर पी प्लस क्यू टेन इनवर्स एक्स टू द पावर एम प्लस वन अपान क्यू एम प्लस वन प्लस सी। इंटीग्रेशन में अंडर रूट टेन एक्स साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन में टेन एक्स पर ऊपर नीचे गुणा कर दिया है अपान अंडर रूट टेन एक्स साइन एक्स कास एक्स डी एक्स। अंडर रूट टेन एक्स का अंश और हर में गुणा करने पर साइन एक्स कट जाएगा और वन अपान कास स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स अंडर रूट टेन एक्स डी एक्स। टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए हम मान लेते हैं कि टेन एक्स इज इक्वल टू टी या सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी इज इक्वल टू डी टी अपान टी वन बाई टू डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर माइनस वन अपान टू डी टी इज इक्वल टू टी पर माइनस वन बाई टू प्लस वन अपान माइनस वन बाई टू प्लस वन इज इक्वल टू टी पर वन बाई टू अपान वन बाई टू प्लस टू पर चला जाएगा टू अंडर रूट टी प्लस सी टू अंडर रूट टेन एक्स प्लस सी।